वेलकम टू ऑल इन माई चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने मेंडल्स लॉ को देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेसिकली ये एक्सेप्शन है, किसका, मेंडल्स का जो लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। मेंडल ने जो 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से केवल एक ही लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाकी जो 2 लॉ हैं, डोमिनेंस का भी है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी है। तो डोमिनेंस के एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है। आगे चैप्टर आएगा कोडोमिनेंस, वो भी इसका एक्सेप्शन है। ओके, नाउ इसमें क्या, एक प्लांट है, इसका नाम है स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस। ओके, इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। क्या बोलते हैं? डॉग फ्लावर, क्योंकि इसकी आकृति कहीं ना कहीं डॉग के जैसी लगती है, इसलिए इसको डॉग फ्लावर कहा गया है। दूसरा प्लांट है मिराबिलिस जलापा, सेम रिजल्ट मिले। जैसे कहते हैं 4 o'clock, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन प्लांट्स में इन्होंने क्या किया, एक तो प्योर रेड ले लिया, कैपिटल आर आर। ओके, कैपिटल आर आर है तो रेड होगा, और प्योर वाइट कैसा होगा, स्मॉल आर आर है तो ये वाइट होगा। ये क्या हो गया, पेरेंट्स। तो प्योर रेड प्योर वाइट के बीच क्रॉस करवा दिया, मियोसिस करवाएंगे गैमिट बनाने के लिए, ये बनेंगे गैमिट्स। अब क्रॉस किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अब आपको क्या लगता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल आर है तो इसको रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेड नहीं था। ये किसी भी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे, नाइदर रेड नॉर वाइट, उनके इंटरमीडिएट कलर आ रहा था, एंड दैट इज़ व्हाट, पिंक कलर। ठीक है, सो दे डिड नॉट शो एनी रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी विथ ईदर ऑफ द पेरेंट्स, और टू पेरेंट्स जो थे उनमें किसी के साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। ठीक है, कैसे आ रहा था, इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच का कलर आ रहा था, दैट इज़ पिंक, न रेड न वाइट, पिंक आ रहा था। फिर क्या किया इन्होंने, सेल्फिंग करवाई, सेल पॉलिनेशन, तो इसको हमने थोड़ा सा इधर ले लिया। ओके, नाउ सी, सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा, सेल्फिंग करवाने में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसमें ये आपके गैमिट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस, कैपिटल आर आर, इसको करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये। तो आपको कितने रेड मिले, एक, बाकी 2 कैसे होंगे, यदि इस तरह जीनोटाइप है तो कैसे होंगे, ये पिंक, 2 पिंक हो गए। ओके, और ये कैसे हो गए, वाइट। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया आपका, फिनोटाइपिक मतलब कैसे दिख रहे हैं, तो रेड कितने दिख रहे हैं, 1, पिंक कितने दिख रहे हैं, 2, और वाइट कितने दिख रहे हैं, तो 1:1। अब जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप कैसा, इस तरह का कॉम्बिनेशन एक ही है, कैपिटल आर आर देखो कहीं नहीं है, तो कितना आ गया, 1, यानी कैपिटल आर आर एक ही है। 2 इस तरह के 2 हैं, तो लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 हैं, और ऐसे कितने हैं, ये हैं 1, इस तरीके से। ठीक है, तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, ये बहुत तगड़ी लाइन है, खूब पूछी जाती है, ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहते हैं, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो कोडोमिनेंस है ना, उसमें भी सेम रेशियो रहता है, 1:1, 1:1, यानी कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे रहते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ओके, अब हम अगर एनसीईआरटी को देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है, लग रहा है छोटा सा, देखो गब्दू सा डॉग, डॉग फ्लावर। तो ये पेरेंट जन, पी मतलब पेरेंट जनरेशन हो गया, रेड फ्लावर है, ये कैसा है, वाइट है। गैमिट बना लिए अपन ने मियोसिस के थ्रू, क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल, यही तो आएगा। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑल विल बी पिंक, नीदर रेड नॉर वाइट, पिंक आ गया, इंटरमीडिएट कलर, इन बिटवीन टू, कैसा आ गया, इन बिटवीन टू। ओके, दोनों पेरेंट्स के बीच कलर आया, किसी से रिजेम्बलेंस वो नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसी लाइन भी आती है कि ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें कि किसी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं करते, इन बिटवीन टू आता है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, एक साइड में क्या होगा, एक साइड में क्या होगा, मेल गैमी, फीमेल गैमी, एक साइड मिल जाती है, कैपिटल आ रहा, इस वे क्रॉस करवाएंगे ये आ जाएगा, इस वे से करवाएंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करवाएंगे तो कुल मिला के एक रेड आ रहा है। देखो कलर दिख रहा है आपको, ये कैसे दिख रहा है आपको, 2 पिंक और 1 वाइट। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, देखिए आप देख पा रहे हो रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। ओके, जीनोटिपिक भी कैसा आ रहा है, कैपिटल आर आर 1 है, ऐसे 2 हैं और एक ये हो गया, 1:1। ओके, सेम आ रहा है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कैसा है, इसमें दोनों में कैसा है, सेम। ओके,
इसमें भी और कॉ डोमिनेंस में भी। और ये देखिए ये फ्लावर क्या देखा है, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैप ड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। इसलिए तो कलर कैसा आ रहा है इनके बीच में, पिंक आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक प्लांट है इसका नाम है स्नैप ड्रैगन। ओके, एफ वन में प्लांट क्रॉस किया विद द रिसेसिव होमोजाइगस ट्रेट से। ओके, देन हाउ मैनी रेड, हाउ मैनी पिंक एंड हाउ मैनी वाइट फ्लावर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इन्होंने क्या किया, F1 का रिसेसिव होमोजाइगस, तो यही हुआ आपका। ओके, तो इसमें क्या होगा, F1 तो यही था अपना। ओके, रिसेसिव होमोजाइगस ये ले लिया अपन ने वाइट। तो इसमें क्या क्रॉस टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके दो तरह गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या बनेंगे, एक ही तरह के बनेंगे सब। कैसे बनेंगे, स्मॉल आर। ओके, तो क्या करेंगे अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं, तो इसके क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा, इसके क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा। यानी 50% कैसे आएंगे पिंक और 50% कैसे आएंगे वाइट, 1:1 रेशियो। तो रेड कितने आए, तो रेड आ गया 0, पिंक कितने आए 1, वाइट कितने आए 1। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है 100 प्लांट बने हैं तो कितने आएंगे पिंक और वाइट, तो 50% देख लेना आप, तो 50-50। या किसी ने कहा 50 फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर दिस सेम क्रॉसिंग, तो 50 में से कितने रेड, कितने पिंक, कितने वाइट। तो रेड तो 0 रहेंगे, पिंक रहेंगे 50 में से आउट ऑफ 50, 25 ये 25 ये, तो ये रेशियो आप लगा सकते हैं। ओके, देखा जाए तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये भी तो टेस्ट क्रॉस है ना, F1 का इससे कर रहे हैं, तो क्या है ये टेस्ट क्रॉस। चलिए एक और हम पूछ लेते हैं, इन विच ऑफ द क्रॉस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। ठीक है, तो आंसर आपको क्या रहेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी होता है और को डोमिनेंस में, 1:1 होता है, लिखा है देखो 1:1, फिर से लिख देते हैं 1:1। ओके, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लांट है इसका नाम है मिराबिस लावा, उस इसमें एफ वन में जब हमने क्रॉस किया रेड प्योर रेड और प्योर वाइट के बीच में, तो एफ वन में कितने आए 100 फ्लावर बने। ओके, अब वो पूछ रहे हैं यदि हम इसी की प्लांट की सेल्फिंग करें, क्या करें हम सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन, तो एफ टू में आउट ऑफ एफ टू में भी 100 बन रहे हैं, एफ टू में भी कितने बन रहे हैं 100 फ्लावर बन रहे हैं, तो आउट ऑफ दिस 100 हाउ मैनी वुड बी रेड, हाउ मैनी वुड बी पिंक एंड देन वाइट। तो ये आ गया, इसमें क्या है, तो इसका मतलब एफ वन का ये है, यही तो आया था F1 में, ही तो थे इन गैमेट बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट ऐसे बनेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो ये आ गया सेम, ये कौन सी जनरेशन हो गई आपका F2 जनरेशन। ओके, तो इसमें रेड कितना है 25%, ये क्योंकि 1/4 थे, ये कितना था 2/4 पिंक। ओके, ये कितने थे 1/4, तो 25% ये, 25% ये, और पिंक कितने थे 50%। ओके, तो व्हाट विल द पिंक फ्लावर कितने हैं 50%, तो रेड फ्लावर कितने होंगे 25 और वाइट फ्लावर कितने होंगे 25। तो इस तरीके से आप रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, okay?